कोरोना काल में बंद साहिबगंज मनिहारी के बीच चलने वाली फेरी सेवा अब 8 महीने बाद फिर से शुरू होने के लिए तैयार है, लेकिन उम्मीद है कि ये जल्दी हो जाएगी। कल से इसका टेंडर भी शुरू हो जाएगा। इस बार बंदोबस्ती के लिए 24,33,000 रुपए प्रतिवर्ष सुरक्षित राशि निर्धारित की गई है। इसके साथ ही डाक में शामिल होने वाले लोगों को कम से कम 100-100 क्षमता वाले 2 यात्री जहाज को मालवाहक जहाज के साथ ही जिला प्रशासन को जमा कराना होगा। जिला प्रशासन पहले इसकी भौतिक सत्यापन के बाद ही लोग डाक में शामिल हो सकते हैं। इधर राजमहल सांसद विजय हांसदा ने भी कहा है कि प्रशासन सही नियमावली का अनुपालन कर इस काम को आगे बढ़ाए, ताकि हादसे जो लगातार यहां पर होते रहते हैं, जिसकी खबरें आती रहती हैं, वो ना हो। बता दें आपको कि बीते दिनों ही एक 8 ट्रकों के डूबने की बात सामने आई थी। और इसमें यही निर्णय निकला है कि दोनों पक्ष के पदाधिकारी गण एक बार बैठेंगे और जो नियमावली कहीं ना कहीं नियमावली को नजरअंदाज करने के वजह से ये घटना घटी है, आगे इस तरह की घटना ना घटे इसके लिए जो है नियमों का अनुपालन करवाना सरकारी महकमे का, वहां पदाधिकारियों का, इधर और बंगाल के भी पदाधिकारियों का ये जिम्मेदारी होगी कि कहीं ऐसी त्रुटि और गलती ना हो। ये साहिबगंज से मनिहारी का जो फेरी घाट का निविदा है, ये हमने ऑलरेडी पेपर में निकाल दिया है। 2 दिसंबर को हम लोगों ने डेट दिया है। 1 दिसंबर को पहले जहाजों का जांच वगैरह किया जाएगा, जो भी किसके पोजीशन में है करके, और तब तक उन लोगों को अब अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में यहाँ एसी कार्यालय में जमा करना।